अभीरा की संगीत सेरेमनी के लिए निकले होते हैं पोद्दार हाउस के सभी फैमिली मेंबर्स और रास्ते में होने लगती है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, लेकिन समझ में नहीं आता है कि संगीत कैसे होगा। तो जाते ही रास्ते में एक ढाबा पड़ता है जहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं और सोचते हैं ये संगीत यहीं पे ही किया जाए। तो पोद्दार हाउस की सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ जाकर ढाबे वाले से बोलते हैं, लेकिन पहले तो ढाबे वाला मना कर देता है, लेकिन मनीष को इनका आ जाते हैं और उनको देखकर वो मान जाता है और होता है बहुत बड़ा खुलासा। देखकर चौंक जाते हैं मनीष को इनका और ढाबे वाला एक दूसरे को, लेकिन मनीष को इनका को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ढाबे वाले ने खोला बहुत बड़ा राज, जी हाँ ढाबे वाले ने खोला बहुत बड़ा राज। दरअसल आरोही की मौत कैसे हुई थी वो ये ढाबे वाला ही बता सकता है। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरा तक चेक करा देता है क्योंकि गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं रूही की, और रूही बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ चुकी है अभीरा के। तो वो बता देता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, ये अक्षरा से नहीं। वो पूछता है कि आप कैसे जानते हैं ये सब कुछ, और बता देता है कि मैं बहुत सालों से यहाँ पर, मेरा ये ढाबा है और यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची कार चला रही थी और उसमें उस के आगे आ चुकी थी आरोही, और अक्षरा ने आकर उस बच्ची को बाहर निकाला और आकर खुद बैठ गई थी उस कार में। इतना बड़ा खुलासा होते ही रोही का दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और अभीरा सोचती है मेरी माँ की कोई भी गलती नहीं थी। उधर सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद रूही बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में जीने लगती है, सोचने लगती है, और उधर ढाबे में लग जाती है आग, जो कि सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन अभीरा अपने आप को बचा नहीं पाती है और फंस जाती है आग में। और उधर डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर बताते हैं, देखते हैं अभीरा की हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब, और अभीरा को देखते ही डॉक्टर बताते हैं कि अभीरा कभी माँ नहीं बन सकती है। तो आने वाले एपिसोड में क्या ये सारी जितनी चीज़ें दिखाई जा रही क्या ये सच हैं या फिर ये भी है कोई रूही की नई चाल, सब सारी जानकारी सारी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिव्यांश ब्लॉगर, क्योंकि रूही ने हमेशा ही चाल चली है। इसलिए क्या सच में रूही चल रही है कोई नई चाल या सच में अभीरा कभी नहीं बन सकती है माँ। और चाची सा इधर देखते ही बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, और स्वर्णा जी जब सभी सारी जानकारी दे देती हैं, डॉक्टर बोलते हैं अभीरा से और पोद्दार हाउस में सभी के सामने बोलते हैं कि अभीरा कभी माँ नहीं बन सकती है, तो दादी सा बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और कहती हैं कभी ये तुम्हारा वंश नहीं बढ़ा सकती है, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अरमान उधर सभी लोग देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सारी चीज़ें देख करके, लेकिन अभीरा कुछ नहीं कर सकती और अभीरा रो रही होती है। मनीष जी भी देख रहे होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आगे क्या होने वाला है, क्या ये सारी चीज़ें रूही का ड्रामा है या सच?